हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बहुत दिनों के बाद करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई पार्ट थ्री लेके आए हैं। कम से कम 10 दिन हो गए, तो इन 10 दिनों में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इनको पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग तरीके की वीडियोज़, अलग अलग टाइप की वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। और BSc सेमेस्टर की वीडियोज़ भी हमने डालना शुरू कर दिया है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाके आप देख सकते हैं उन वीडियो को। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको वहाँ वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रिसेंटली पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष इन विच सिटी। पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष यानी कि जो आप यहाँ पर सेंटर देख सकते हैं, ये पूरा शिवलिंग के आकार का पूरा एक एक जो सेंटर है शिवलिंग के आकार का बनाया हुआ है, जापान की मदद से इंडिया ने बनाया हुआ है। 2015 में इसकी जो साइन एग्रीमेंट हुआ था उस पर साइन हो गया था, अभी इनॉग्रेट कर दिया है पीएम मोदी जी ने। तो आपका बताना है कि आपने कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, उस शहर का नाम बताना है। तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, अहमदाबाद। आपका सही आंसर होगा, सही आंसर है वाराणसी। यानी कि पीएम मोदी ने वाराणसी में जो रुद्राक्ष है उसको वहां पर ओपन किया। ठीक है, और ये क्या है कि पीएम इनॉग्रेट्स कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष रुपी 1500 करोड़ प्रोजेक्ट्स इन वाराणसी। ठीक है, यानी कि वाराणसी में पीएम मोदी ने जो 1500 करोड़ की लागत से जो रुद्राक्ष सेंटर खोला गया है जापान की मदद से, जापान के इंजीनियर ने उसको बनाया है, तो वो वाराणसी में खोला गया है। ठीक, यहाँ पर आप टोटल देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। तो मैं आपको डिटेल मतलब शॉर्ट में बता सकता हूँ, बता देता हूँ कि जो पूरे डिटेलिंग यहाँ पर लिखी गई है वो क्या लिखा गया है। इसमें टोटल लिखा गया है कि इस तरीके से इनॉग्रेट किया गया थर्सडे को। ठीक है, जो पिछला थर्सडे था उसको इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा यूपी में। तो ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये पीछे पूरा हमारा जो ये रुद्राक्ष सेंटर है वो यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें अभी जो है उसमें टोटल कितनी सीटिंग कैपेसिटी है, 1200 पीपल, यानी कि जब ये खुला होगा एक साथ 1200 लोग उसके अंदर जा सकते हैं, और मतलब जो भी चीज़ें वहाँ देखना चाहते हैं वो सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं जापानीज इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी की मदद से यहाँ पर खोला गया है। ठीक है, ये जापानीज, ठीक, तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है, जापान की कंट्री से रुद्राक्ष को खोला गया, और कहाँ खोला गया, वाराणसी में, किसने इनॉग्रेट किया, पीएम मोदी ने, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे बन गए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा। जो लीडर है राज्यसभा में, हमारे जैसे आपको पता है हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद भवन है, संसद भवन के अंदर दो सभाएं हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जिसमें से 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से हमारे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, जो पार्टी जिसके पास बहुमत होता है उस पार्टी का एक आदमी, एक जो उनका लीडर होता है वो बनता है। क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, हम सभी को बताया। वैसे ही राज्यसभा में भी 245 सीट होती है, जिसमें से 233 को तो इलेक्ट किया जाता है और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। अब आपका ऑप्शन है कि मतलब कौन सा लीडर, किसको लीडर ऑफ हाउस चुना गया राज्यसभा का। आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल। उनको जानने से पहले अभी क्या बात कर लेते हैं, एनडीए यानी कि जो हमारी जो अभी रूलिंग पार्टी है इंडिया में एनडीए, उसके जो 116 सीटें हैं राज्यसभा में, यूपीए की 64 सीटें हैं, और अदर्स यानी कि जो यूपीए होगी जो हमारी अपोजिशन पार्टी है मेनली। ठीक है, और जो अदर पार्टी है उनके हमारे 51 मेंबर्स हैं। ठीक, और राज्यसभा यहाँ पर ये हमारा प्राइम पार्लियामेंट है, इसके अंदर राज्यसभा दो सदन होते हैं। ठीक, और यहाँ पर 233 मेंबर सीधे सीधे जैसे वोटिंग होती है वैसे वोटिंग से जीत चुने जाते हैं, और 12 मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ठीक है, और जो लास्ट इलेक्शन हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था, और नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे वो अक्टूबर 2021 में होंगे। ठीक, और क्या कहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल बाद यहाँ के जो 1/3 मेंबर हैं उनको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल 6 साल का होता है, ये याद रख लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है पीयूष गोयल, यानी कि पीयूष गोयल जी को राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो चेयरमैन है वहाँ के वो होंगे वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वहाँ के चेयरमैन होते हैं लोकसभा के। ठीक है, और वहाँ के डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह जेडीयू के हैं। ठीक है, और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं जिन्हें हाल ही में 14 जुलाई को चुना गया है वो हैं पीयूष गोयल जी। ठीक, तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी। और पीयूष गोयल जी को आप जानते होंगे पहले संसद के मिनिस्टर थे, संसद मंत्री थे, मंत्रालय था इनके पास। अभी जो इनका मंत्रालय वो है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया। इनके पास जो पिछला ऑफिस था वो था एक्टिव मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया। ठीक, एक्टिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये तो जो भी चीज़ें थी ये अब क्या चुन लिए गए, लीडर ऑफ हाउस चुन लिए गए राज्यसभा के, और पहले अभी ये मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स हैं इंडिया में। हु इज द कंपोजर ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स चीयर सॉन्ग हिंदुस्तान वे। हिंदुस्तानी वे
ठीक है, जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सॉन्ग बनाया गया है, ताकि जो हमारे एथलीट्स गए हैं, 119 एथलीट्स गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में, जो 23 जुलाई से कल से शुरू हो गए हैं, और कल ही हमारे एक इंडिया की एक वेट लिफ्टर हैं जिन्हें 49 kg के उसमें सिल्वर मेडल जीता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है कि उनका नाम क्या है, पहली भारत की पहली महिला बन गई हैं 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने मेडल जीता है इंडिया के लिए। तो आपको उनको उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए हम क्वेश्चन को बात करते हैं कि कंपोजर कौन है सॉन्ग। आपके ऑप्शन है AR रहमान, अनु मलिक, शांतनु, मोइत्रा, बप्पी लहरी जी। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है AR रहमान, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। AR रहमान ने जो हिंदुस्तानी वे है अनन्या जी के साथ इन्होंने गाया है, और AR रहमान ने इस गाने को कंपोज किया, और ये उस गाने का टीजर है, यानी कि एक टीजर यानी वॉलपेपर टाइप का है, और आपको अगर ये गाना सुनना है तो आप यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड द SCO फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग। SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो फॉरेन मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, किस कंट्री ने होस्ट की, यानी किस कंट्री किस सिटी ने होस्ट की है, 14 जुलाई को हुई थी। जो आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बीजिंग, दुशानबे, काबुल। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है दुशानबे, यानी कि दुशानबे में क्या था, जो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी वो वहाँ हुई है। और जो दुशानबे है वो किसकी कैपिटल है, तजिकिस्तान की कैपिटल है। तजिकिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, जो बॉर्डर शेयर करता है चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और यहाँ पर एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान, और बस हाँ इन कंट्रीज के साथ जो तजिकिस्तान है वो अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, और यहाँ पर इनकी दुशानबे में SCO के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। और जो यहाँ के मेंबर स्टेट हैं वो हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। जो ये मेन कंट्रीज हैं, ये मेंबर कंट्रीज हैं SCO की। और जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जिन्हें वहाँ का पद मिल सकता है वहाँ का, तो वो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। ठीक, और जो डायलॉग पार्टनर्स हैं, यानी कि कभी कोई मीटिंग हो गई तो वहाँ जाना है, इस तरीके से जो पार्टनर्स हैं वो हैं आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की। ठीक, और जो गेस्ट अटेंडेंस है, यानी कि किसी कंट्री को बुला दिया कि आपको हम अपनी मीटिंग में बुलाते हैं गेस्ट अपीयरेंस, ताकि आप हमें कुछ और सुझाव दीजिए। ठीक है, तो उसके जो जो कंट्रीज हैं वो आसियान, तुर्कमेनिस्तान, CIS और UN। UN, CIS और आसियान जो है ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तुर्कमेनिस्तान एक कंट्री है। ठीक, और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप किस तरीके से जो ये मीटिंग हुई थी, सारे जो मिनिस्टर्स हैं फॉरेन मिनिस्टर्स से हर कंट्रीज के यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे एस जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के, उनको आप देख सकते हैं। ठीक, और इसमें जो मेन बात हुई थी कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर रहा है धीरे धीरे, तो उसमें बात हुई थी कि कैसे तालिबान को कंट्रोल में किया जाए, और बहुत सारी वेरियस बातें में चीज़ों में बात हुई कि किस तरीके से जो ये कोविड की सिचुएशन से उभरा जाए और जो इकोनॉमी है उसको रिकवर किया जाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया इस मीटिंग में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट बिग लाइन। द ग्रेट बिग लाइन जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन है क्रिसिस नाइट, चेतन भगत, रुडियार्ड किपलिंग, हरिवंश राय बच्चन जी। आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर है क्रिसिस नाइट। क्रिसिस नाइट ने द ग्रेट बिग लाइन बुक लिखी है। और जानने वाली बात यह है, हैरानी की बात यह है कि जो ये जिन्होंने ये बुक लिखी है, क्रिसिस नाइट ने, जो एक बच्ची है, ये 3 साल में इन्होंने अपनी बुक लिखना शुरू कर दिया था, और अब जाके जब ये 7 साल की हैं तब जाके ये बुक पब्लिश हो गई है। ठीक है, और एक कनेडियन ऑथर है। ठीक है, देख के आप सोच सकते हैं कि 3 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, और 7 साल की उम्र में जो उनकी ये बुक है वो यहाँ पर पब्लिश हुई है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि इस बुक को उन्हीं की कंट्रीज में लॉन्च किया गया, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड लॉन्च हुई है ये बुक। अगर जिसको पढ़ना है तो वो उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। ठीक, और जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट गल्फ स्टेट टू ओपन इट्स एम्बेसी इन इसराइल। एम्बेसी क्या होता है, सबसे पहली बात कर लेते हैं। एम्बेसी दूतावास, यानी कि किसी, जैसे इंडिया का एम्बेसी कहेंगे सऊदी अरेबिया में, यानी कि इंडिया का एक ऑफिस होगा इसराइल में, जो ताकि जो भी इंडिया के नागरिक सऊदी अरेबिया में रहते हैं वहाँ अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो इंडियन गवर्नमेंट को कॉन्टैक्ट ना करके इंडिया की एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करेंगे, और जितने भी इंडिया की मीटिंग्स होंगी उस कंट्री में, तो जो एम्बेसी टू इंडिया होगी वो वहाँ सारे प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री की ऑफिस दूसरे कंट्री में खुलना उसे एम्बेसी कहती है। ठीक है, और गल्फ स्टेट होते हैं जितने भी, ये 6 गल्फ कंट्रीज हैं, यानी कि 6 हैं। सऊदी अरेबिया पहला, कुवैत दूसरा, बहरीन तीसरा, कतर चौथा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चौथा, ओमान पाँच छठा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जो 6 हैं ये गल्फ स्टेट के अंदर आते हैं, और ये पहले जो थे इसराइल को एज अ कंट्री नोटिस नहीं करते थे, अब धीरे धीरे इन्होंने इसराइल को एज अ कंट्री नोटिस करना शुरू कर दिया है। तो किसने, किस गल्फ स्टेट ने, यानी किस गल्फ कंट्री ने अपनी एम्बेसी खोली इसराइल में। आपका ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, कतर। सही आंसर होगा, सही आंसर है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो उसका जो मैप है आप यहाँ पर देख सकते हैं, अबू धाबी यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री
कंट्री नहीं सिटी है, और दुबई यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और बुर्ज खलीफा भी यही है दुबई में, और दुबई को आप जानते होंगे, यूएई को आप मेनली आप जानते होंगे, एक इंटरनेशनल हब बन चुका है लोगों के लिए एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी, और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी यहाँ खेले जाते हैं, ठीक। अब यूएई के बारे में बात कर लेते हैं, मिडिल ईस्ट में कंट्री है, गल्फ का गल्फ स्टेट का एक हिस्सा है ये, ठीक। और यहाँ की अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है, करेंसी यहाँ की दिरहम है, और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नहायन है, ठीक। तो जो भी चीज़ें थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, आपको एम्बेसी समझ में आएगा क्या होता है, और गल्फ स्टेट में कितनी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और हाँ, बता सकते हैं, अभी हमने वहाँ की तो बात कर ली यूएई की, अब इसराइल में खोला गया तो इसराइल की भी बात कर लेते हैं। देखो इसराइल यहाँ पर एक ये पूरा नेशन है, कंट्री है इसराइल, ये है यहाँ पर ये मैप, जो ये हल्का सा हल्का ऑरेंज कलर का है वो है हमारा इसराइल, और इसराइल की कैपिटल जेरूसलम, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट जो अभी हाल ही में चुने गए हैं, किनको रिप्लेस करके नफ्ताली बेनेट बने हुए हैं, ठीक है अभी, और इन्होंने नेतन्याहू बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस किया है एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और 5960 से वोट जीते थे, सिर्फ एक वोट से जीते थे हमारे नफ्ताली बेनेट, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विथ हुम टू प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट बसेज टू पैसेंजर्स, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने किस किस कंपनी के साथ साझा किया है, यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है कि भाई अब तुम भी हमारी मदद करोगे, ताकि पैसेंजर्स को पता चले कि जो बसेज हैं, जिस बस में उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो अभी बस कहाँ पर है, ठीक है। तो इससे बहुत लोगों को जो मदद मिलेगी कि मतलब कभी बस लेट जाती है तो लोगों को पता चल जाएगा कि बस लेट है, तब तक वो अपना कुछ और काम निपटा सकते हैं, अगर कभी बस जल्दी आ जाती है तो उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि बस जल्दी आ रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों की समाधान के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने किस कंपनी के साथ पार्टनर किया है, आपके ऑप्शन है इसरो, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है गूगल, ठीक है। यानी कि हमारा देख सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट जॉइंट्स हैंड्स विद गूगल टू गिव रियल टाइम इन्फो अबाउट बसेस टू कम्यूटर्स, यानी कि जो उनको बस में ट्रेवल करना है उनको अब बस की जो लाइव लोकेशन है वो पता चलेगी। और बाकी जो चीज़ें हैं गूगल के बारे में हम जान लेते हैं, गूगल एक मल्टीनेशनल कंपनी है, सीईओ यहाँ के सुंदर पिचाई जी हैं, और जो फाउंडर है 1998 में बना था हमारा गूगल, और जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, और यहाँ के जो यूट्यूब, फायरबेस, गूगल चाइना, फिर फिटबिट और बहुत सारी जो भी हैं इनके सब्सिडायरीज हैं, ठीक है। जो यूट्यूब जिसमें हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए, वो भी एक गूगल का एक कंपनी है, गूगल के अंदर की कंपनी है, ठीक। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनकी अल्फाबेट थी। अब अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री विल होस्ट 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। अभी जैसा कि यहाँ पर मैंने एक फोटो लगाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि टोक्यो 2020 और टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स, ठीक है। ओलंपिक गेम्स का सिंबल ये होता है और पैरालंपिक गेम्स का सिंबल ऐसा होता है, ठीक। तो हमें को ये बताना है कि दो क्वेश्चन हो गए कि इंडिया की जो पहली सिल्वर मेडलिस्ट विनर है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तो उनका नाम क्या है आप बताइए, जिन्होंने, मैं ये भी बता देता हूँ कि वेट लिफ्टिंग में 49 kg के कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक। तो आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, और दूसरा ये बताना है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो हो रहे हैं वो किस कंट्री में हो रहे हैं, ठीक। तो अभी हमारा जो सही जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 2032 यानी कि 2032 के जो ओलंपिक और पैरालंपिक्स गेम होंगे वो किस कंट्री में होंगे, आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स होंगे वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस सिटी में होंगे, ब्रिस्बेन होंगे, ब्रिस्बेन होस्ट सिटी होगा 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रेसिडेंट है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग ये है, और ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया अपने में से एक पूरा कॉन्टिनेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टेब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच सिटी, यानी कि भारतीय सरकार ने, भारत की सरकार ने जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है, यानी कि जो विश्व धरोहर होती है हमारी, उनको कंजर्व करने के लिए भी, उसके बारे में नॉलेज बांटने के लिए जो एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे वो किस सिटी में खोलेंगे, आपके ऑप्शन है नोएडा, बेंगलोर, मुंबई, देहरादून। आपका सही आंसर होगा, आपका सही आंसर है नोएडा, यानी कि नोएडा कायम उत्तर प्रदेश में, नोएडा में बनेगा देश का पहला हेरिटेज इंस्टीट्यूट, जहाँ पर बहुत सारी पुरानी धरोहर जो है भारत की उनको रखा जाएगा, उनको कंजर्व किया जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपके पास पूरी जो भी इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है कि किस तरीके से गवर्नमेंट लॉन्च करेगी और गवर्नमेंट वहाँ पर स्टेब्लिश करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को नोएडा में कैसे, नोएडा जहाँ यूपी में है वहाँ कैसे स्टेब्लिश करेगी, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, हाल ही में जो चल रहा है कि विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैज बीन रिमूव्ड रिसेंटली फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी कि जो यूनेस्को है वो पूरे वर्ल्ड में जो भी इंपॉर्टेंट धरोहर हैं जो इनको कंजर्व करना चाहिए उनको अपने में इंक्लूड कर लेता है, ताकि उसको संरक्षित कर सकें और बाहर की दुनिया को उस चीज़ के बारे में पता चल सके, ठीक है, ताकि लोग वहाँ घूमने जाएं और उसकी जो खूबसूरती है उसे पहचान सकें। तो हाल ही में यूनेस्को ने किस
जगह को, यानी कि किस जो पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड थी उसको रिमूव कर दिया है। आपके ऑप्शन हैं ताजमहल, एरोरा केव्स, कोणार्क और लिवरपूल। तो इनमें से किसको रिमूव कर दिया है, आपके सही आंसर होगा, आपका सही आंसर है लिवरपूल, यानी कि लिवरपूल को रिमूव कर दिया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि लिवरपूल को पहला हेरिटेज साइट है लिवरपूल की जिसको रिमूव किया गया है। लिवरपूल से पहले भी दो ऐसी साइटें हैं जिन्हें रिमूव किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से किसी ना किसी कारण बस। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, और इनके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और जो इनके जो हेड हैं वो हैं ऑड्रे अजोले, और इनकी जो फाउंडेशन हुई थी 1945 यानी कि 1945 को हुई थी। ईयर ज़्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू डेट। ठीक है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई थी, और वहीं उनका हेडक्वार्टर अभी पेरिस फ्रांस में। ठीक, और आप देख सकते हैं कि जो लिवरपूल है उसको ये लिवरपूल की दो फोटोज हैं। ठीक है, और वहाँ के जो कुछ चीज़ें थी जो धरोहर, जिस चीज़ के लिए उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, उन चीज़ों का वहाँ पर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उसे वहाँ से डेंजर लिस्ट में डाल दिया गया था। पहले ही 9 साल पहले ही डेंजर लिस्ट में डाल दिया था, अब उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और आपने नोट डाउन करे होंगे। ठीक है, तो आपको जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दीजिएगा। ठीक, और वो क्वेश्चन क्या क्या है मैं आपको फिर से बता दूँ कि जो इंडिया की पहली महिला सिल्वर मेडलिस्ट विनर है और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 का नाम क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक्स किस कंट्री में खेले जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जब तक के लिए कोविड चल ही नहीं जाता, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीनेशन लगा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।